जैसा कि कई छात्र ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ही बाइक चलाते हैं, आरटीए इस गर्मी में उन लोगों के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन करेगा। परिवहन एस आयुक्त वेंकटेश राव ने कहा है कि लाइसेंस जारी करने में केवल 10% की वृद्धि हुई है, हालांकि हर साल वाहनों की संख्या बढ़ रही है। विभाग नए आवेदकों की सुविधाओं के लिए प्रतिदिन लगभग 400 ड्राइविंग स्लॉट प्रदान करता है, लेकिन औसतन पर केवल 150 स्लॉट ही भरे जा रहे हैं। डीटीसी ने बताया कि कुछ छात्र ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन करेगी और इस गर्मी की छुट्टियों पर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगी। उन्होंने कहा विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली और गुजवाड़ा के आरटीए कार्यालयों में पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार 1536 वाहन वैध का परिणाम पत्र जारी किया गया, 126 वाहनों को खारिज कर दिया गया है, उनमें से केवल एक वाहन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन प्राप्त करने के लिए सरकारी जानकारी के मुताबिक प्रत्येक अस्वीकृत वाहन को अपनी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है।